दोस्तों कभी भी आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हो। कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल का आइकन जरूर क्लिक कीजिए। ऑलरेडी 50,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है दोस्तों, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने बिजनेस को मेरे यूट्यूब चैनल से प्रमोट करना चाहते हो तो दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इनको जरूर फॉलो करें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट वीडियोज आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद। इस वीडियो में आपको पावर बैंक के बारे में बताऊंगा। पावर बैंक परचेस करने से पहले कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए, तो इस चीज़ को मैं बताऊंगा। क्योंकि आजकल देखिए बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बार बार चार्ज खत्म होते रहता है। अगर बाहर में हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको चार्ज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए लोग पावर बैंक खरीदते हैं ताकि कहीं भी रहें वो अपने मोबाइल को तुरंत जल्द से जल्द रिचार्ज कर सकें। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये यहाँ पर है कि आप उसको खरीदते हो, बाई करते हो, तो कौन कौन से चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में आपको बताऊंगा। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें इम्पॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों सबसे पहले कैपेसिटी का रखें ध्यान। पावर बैंक खरीदने से पहले उसकी कैपेसिटी के बारे में ज़रूर जाँच लें। आपके फ़ोन में अगर 3000 mAh की बैटरी दी गई है तो आपको कम से कम 5000 mAh या इससे ऊपर के कैपेसिटी का पावर बैंक खरीदना चाहिए। आमतौर पर 10000 mAh या इससे ऊपर के पावर बैंक को खरीदना आपके लिए उपयुक्त होगा। पोर्ट जांच लें। पावर बैंक खरीदने समय यह भी जांच लें कि उसमें कितने पोर्ट दिए गए हैं। आमतौर पर पावर बैंक में एक USB पोर्ट दिया जाता है, लेकिन आजकल आ रहे ज़्यादातर पावर बैंक में दो पोर्ट दिए जाते हैं। इससे आप एक साथ दो डिवाइस चार्ज कर सकेंगे। ब्रांड जरूर जांचें। पावर बैंक बनाने वाली कई कंपनियाँ हैं, मल्टी फंक्शनल पावर बैंक भी बनाती हैं, लेकिन सही ब्रांड का पावर बैंक खरीदना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कुछ मुख्य ब्रांड के पावर बैंक हैं जो हो सकता है इतना किफ़ायती ना हो, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। बैटरी टाइप। आमतौर पर पावर बैंक में लिथियम ओन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पावर बैंक खरीदते समय बैटरी के बारे में जानकारी लेना फ़ायदेमंद होगा। पोर्टेबिलिटी। पावर बैंक को आसानी से कहीं ले जाया जा सके इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। पावर बैंक खरीदते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे कहीं भी ले जा सकें, इसलिए कई कंपनियाँ आजकल कम साइज़ के पोर्टेबल पावर बैंक पर बनाने पर ध्यान दे रही हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। पावर बैंक अगर आप परचेस कर रहे हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, इससे जो है आप एक बेहतर पावर बैंक खरीद पाओगे। और जो भी मैंने आपको टिप्स दिया अगर उसका ख्याल रखते हो तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों कभी भी मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हो कॉल बी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा। स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर क्लिक करें। और अगर आप बिजनेस और सर्विसेज मेरे यूट्यूब चैनल से प्रमोट करना चाहते हो तो दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इनको जरूर फॉलो कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो, वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में डालें। और अगर आप चाहते हो इस तरह का वीडियो मैं बनाता हूँ आपके लिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।